और इस वक्त एक बड़ी खबर केशकाल से मिली। केशकाल घाटी में एक बार फिर जाम लगा है। ट्रेलर के 8वें मोड़ पर फंसने के कारण ये जाम लगा हुआ है। घाटी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम से स्थानीय लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और जाम लगने से पूरी तरह से गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। जाम खुलवाने के लगातार केशकाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। SDM, SDOP और TIF ने भी मोर्चा संभाल रखा है। उस वक्त हमारे संवाददाता प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश पूरे विस्तार से दिखाइए कैसे जाम लगा है, वजह क्या है जाम लगने की, ट्रेलर फंसने के कारण जाम लगा ये भी बताया जा रहा है, और इस जाम को हटाने के लिए क्या प्रशासन फिलहाल कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरे पीछे गाड़ी जो फंसी हुई है, ये आजकल सुबह आजकल फिर शाम को 7वें मोड़ पर खराब हुई थी, और जिसके कारण पूरी रात पुलिस केशकाल पुलिस परेशान हुई थी, और इसी तरह पूरे दिन भर गाड़ी को अनलोड करके और दोबारा इसको गाड़ी में लोड करके गाड़ी को ऊपर चढ़ाया जा रहा था। जैसे ही 8वें मोड़ पर पहुंची थी कि दोबारा यहाँ फिर जाम की स्थिति बन गया, और पूरे दिन केशकाल पुलिस परेशान थी। और आप देख सकते हो लगभग 12 बजने वाला है, केशकाल पुलिस पूरे ड्यूटी में रखी है और पूरे गाड़ियां यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं, और सभी वाहनों की पहिए थम गई है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि केशकाल पुलिस किस प्रकार से जाम को खुलवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे भारी भरकम सामान लोड है और उसको लोड करने के लिए काफी घंटों मशक्कत करना पड़ता है। अब क्योंकि जगह जिस मोड पे फंसा हुआ है, जी प्रकाश फिलहाल आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यातायात प्रभावित है, दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप केशकाल घाटी की इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, और संवाददाता ने हमारे जिस तरीके से बताया कि प्रशासन और पुलिस की टीम फिलहाल जाम को बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है, और अपडेट हम आगे प्रकाश से लेते रहेंगे। आगे भी फिलहाल के लिए शुक्रिया।